हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करी विद कमल। आज हम बनाएंगे टैंगी पास्ता इन रेड सॉस, जिसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पास्ता। यहाँ हमने लंबा पास्ता यूज़ किया है, आप कोई भी शेप का पास्ता पसंद कर सकते हो। 3 बड़े टमाटर को हमने कद्दूकस करके प्यूरी बनाई है। 3 हरी मिर्च चॉप्ड की हुई, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ बारीक चॉप्ड की हुई, 1/2 प्याज बारीक चॉप्ड किया हुआ, 3 बड़े चम्मच ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, मोजरेला चीज, 1/2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, मिक्स हर्ब्स। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करेंगे, जिसके लिए हमने 1 लीटर पानी गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पास्ता ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि पास्ता अच्छे से बॉईल हुआ है कि नहीं। ये पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसे छन्नी में डाल के ड्रेन कर लेंगे। ये हमने पास्ता ड्रेन कर लिया है। अब इसको टॉस कर लेंगे, ठंडा पानी पोर करेंगे, जिससे कि पास्ता ओवर कुक ना हो और स्टिकी ना हो। अब इसको साइड पे रख लेंगे। ये हमने पैन में तेल गरम कर लिया है। अब फ्लेम को लो करेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। सॉटे करेंगे, फिर लहसुन ऐड करेंगे, फिर सॉटे करेंगे। अब प्याज ऐड कर दें। अब 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से सॉटे करें। ये हमने 2 मिनट तक प्याज को सॉटे कर लिया है। अब इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करें। टोमेटो केचप, नमक स्वाद अनुसार, एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 1 सब अच्छे से मिक्स कर ले। और 5 मिनट तक पकाए। पांच मिनट के बाद ये रेड सॉस रेडी है। बहुत ही अच्छा कलर है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड करेंगे। अब धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा पास्ता और सॉस अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारा टैंगी डिलीशियस पास्ता इन रेड सॉस रेडी है। मोत्सरेला चीज से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अ
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।